नेमावर में खुलेआम बिक रही शराब के खिलाफ रहवासियों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में रहवासी थाने पहुंचे और थाने के सामने नारेबाजी करते शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की। रहवासियों ने थाना प्रभारी सुरेखा निमोदा से मिलकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नेमावर में जगह जगह पर शराब की बिक्री हो रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। पूर्व आदिवासी महिला सरपंच केशरबाई ने बताया कि शराब की दुकान बंद करने के मामले में आबकारी विभाग द्वारा दिखावे की कार्रवाई की जाती है। शराब माफिया कार्रवाई होते ही तुरंत बाद शराब विक्रय करना शुरू कर देते हैं। उन्हें कानून का कोई भय नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा नदी के दोनों किनारों से 5 किलोमीटर की दूरी पर शराब बिक्री पर रोक लगाई, फिर 5 किलोमीटर के दायरे में गली गली में अवैध कच्ची पक्की शराब खुलेआम कैसे और किसके इशारे पर बिक रही है। ग्रामीणों ने कहा कि शराब की वजह से हर घर लड़ाई हो रही है, यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे। दारू दुकान दुकान सब बंद की जाए, सट्टा भी बंद, दारू की दुकान बिल्कुल, दुकान दुकान किराना दुकान सब बंद किया जाए, सट्टा दारू सब बंद किया जाए, जब तक पीछे हम नहीं हटेंगे। और हमको पुलिस प्रशासन से भी और सभी से हमारा ये कहना है कि दारू बिल्कुल बंद होना चाहिए। सभी कहते हैं, मामा कहता है कि नहीं, हमारे भांजा भांजी के लिए ये सुविधा है, ये सुविधा काहे की सुविधा है। आज घर में हर घर में लड़ाई हो रही है दारू पी के, कभी किसी के सामने जाए तो कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए सभी ये आदिवासी समाज ने जो परेशानी है, तो हमको यही पूछनी चाहिए, हमारा को ये चाहिए कि दारू बिल्कुल बंद होना चाहिए। दूरी पे, गांव से दूरी पे दारू चाहिए, यहाँ तो घाट पे बिक रही है। बच्चे बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे यहाँ पे, हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे मारते हैं काटते हैं बेचारी औरत जात को, हम लोग नहीं छिपाते तो एक आध मर जाते हैं, बच्चे और आंधी भी अनाज जैसे घूम रहे हैं हमारे गाजनपुर 3 नंबर वार्ड में। मामा जब जहाँ बोलता है वहाँ बोलता है कि 5 किलोमीटर दूरी भाने का ये आप नीच के बैठा है क्या? हथियार लेके जाए, हथियार लेके आते हैं वो छुट्टे लोग, वो क्या लगते हैं मामा का क्या लगते हैं? ये पूरी महिला इतनी परेशान है बेचारी, और ये घर में बहुत एक टाइम का नमक तक नहीं मिलता कभी सभी को। हमारे गाँव में ये लोग नहीं होना, यहाँ पे होना है मुस्कान बनाया जाए, वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। निकाली है सर्व आदिवासी समाज, साथी समाज साथ में है और आज ही कहना है दारू जगह जगह दुकानों पर बिक रही है, जूनाबाद बिक रही है, सभी को आज ही बंद, और अगर आज नहीं बंद हुआ तो सभी धरने पर बैठे हैं, ढाबे पे बिक रही है, शाम तक का टाइम दे रही है थाना प्रभारी, पर अभी हमको अभी चाहिए ये थान, मतलब टाइम तो हमेशा देती है पर हमको अभी तो अभी आज ही चाहिए, अभी हाल मंदिर में नगर में दारू बंद करो, नगर में बिक रही है अभी हाल, दुकान दुकान दारू बंद करो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।